हरियो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं, नमस्ते जगन्नाथायो, नमो यशवंतानंदं बलराम, नमो नमः बलराम, नमो नमः। बलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धे जनी ज्ञानी गुणी मंडली, आज अध्यायर आलोचना को आपण मान को स्वागत जनाऊ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया को जाऊ महापुरुष अच्युतानंद जाईफुल मालिका। आई जाईफुल मालिकार आम आलोचना करूले गत अध्याय जी महापुरुष लिखिं वाइसी पावचे मीन खेलु सिंहासन वरुण, सिंहासन को रत्न सिंहासन को समुद्र जल छुईब, अगाध सगर हेब बड़ियार खंडगिरी देखिजी, से अगाध सगर टी खंडगिरी पर्यंत आसब, आउ जो खंडगिरी रे प्रभु गुप्त लीला करूबे, आउ से प्रभुंर सानिध्य प्रभुंर साक्षात प्रभुंर दर्शन प्रभुंर अकैतव करुणा लाभ करिया को हेले अच्युतानंद महापुरुष कहिले बाबूरे संसार भीतर रही परिवार भीतर रही स्त्री पिला छुआ धरी ये तेलरुण संसार भीतर तू साधनार बाट को अपना नहीं कि छायाश्रित करी भकत माने करी बेठाब छतिया माटीर महिमा तहु प्रकाश हेब, छतिया माटीर महिमा तहु प्रकाश हेब, छतिया माटीर महिमा तहु प्रकाश हेब। कले छायाश्रित करी भकत माने करी बेठाब छतिया माटीर महिमा तहु प्रकाश हेब, छतिया माटीर महिमा सेतेबेले प्रकाश हेब। हे ज्ञानी गुणी मंडली छतिया महिमा महात्म्य कहिबा को जाई अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम होउछि तेर जन्म शरण कौन कहिले कले छतिया महिमा की कहिबी तोते सुण राम दास तोही सकल मुनिका बास स्थान से समस्त होइब सेही, समस्त होइब सेही हे सा प्रभु समस्त होइब सेही, समस्त होइब सेही महाप्रभु छतिया महिमा कि कहिबी तोते शुण रामदास तोही। अच्युत कहुचने बाबूरे रे मोर प्रिय शिष्य रामचंद्र से छतिया महिमा मु तोते कौन बा कहिबी सकल मुनि बासस्थान से समस्त होइब से सकल मुनि सकल ज्ञानी सकल संत महात्मा महापुरुषंकर से हेब बासस्थान कली युग शेष बेले प्रभुंर लीला खेला जितेबाला से छतिया मटी चली थी। ज्ञानीगुणी मंडली आम ये आलोचना करूले जे पाणीटा कौ पर्यन जीव ना छतिया पर्यन जीव, गुप्त खंडगिरी कौटा ना छतिया, अमरावती कौटा ना छतिया। सुधी यानी ओडिशार पांचटी कटक रही आपण कि कथा आम जाने गोटे कटक ना मालिकार लेखा ओडिशार पांचटी कटक कौन कौन से पांचटी कटक ना प्रथम कटक ना है पुरस्तम कटक पुरी नहीं आम कहते नहीं जाऊ पुरस्तम कटक पुरी महाप्रभु को दर्शन करने नहीं
प्रथम कटक पुरस्तम कटक पुरी, द्वितीय कटक अमरावती कटक छतिया, तीन नंबर कटक अभिवक्त वाराणसी कटक, आगुरी ओडिशार राजधानी कटक जिला नाला कि, चारि नंबर कटक विराट कटक चौद्वार, विराट कटक बर्तमान तार ना चौद्वार, पांच नंबर कटक ना बिरजा कटक जाजपुर। ये ओडिशा रे पांचटी कटक रही पंच कटक बलीण नाम बोलाइबो ओडिशा देने नी हे सोधी जाने ता भितर अन्यतम एक नाम होची कौटा नामर अमरावती कटक छतिया से पर्यन पाणी जीव केत ना बैश बाबच को जो मीन छुईब जितेबले अगाध सगर आसब किमी आसब कहीं आसब महापुरुष लिखिले मालिकार नाम तेर जन्म सरण कौन कहले कहे पांच तीन तेर एकत्र लंजान क्षेत्र पड़ब लंजान क्षेत्र लंजान क्षेत्र पड़ब जानबु से दिन पड़ी छाड़ी जीव धर्म उदय हो सोना सुजने काल आसी महापुरुष तेर जन्म शरण रे लिखिले कहले पांच तीन तेर एकत्र होइले लंजा नक्षत्र पड़ब रामरे गोटे लंजा नक्षत्री समुद्र गर्भरे पड़ब मालिकार लिखाई जी आम लिखीचु ना महापुरुष मालिका ये अच्युत मालिका कहले लंजा नक्षत्र गोटे समुद्र गर्भरे पड़ब स्थल भाग पड़ब ना आकाशमंडल तेतीस दिन से नक्षत्री दृश्यमान है सर्वसाधारण को अच्युतानंद मालिकार लिखिंट एवं देखादेलापर तेतीस दिन से नक्षत्री पड़ब पृथ्वी पृष्ठ से पृथ्वी पृष्ठ कले समुद्र गर्भर पड़ब आ पड़े कौन हम चाहू चाहू जल हो बटी स्थल महाभाग प्रकाशिब कहे चाहू चाहू जलभागटी स्थल भाग हो महापुरुष अच्युत लगे कहे चाहू चाहू जल हो बटी स्थल महाद्रुम प्रकाशिब बौड़ल महाद्रुम प्रकाशिब लेछ निवारणी प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ चाहू चाहू जल हो बटी स्थल महाद्रुम प्रकाशिब मालिकार नाम शिवकल्प नवखंड निर्घंड अच्युतानंद लिखिले जलभागटे स्थल भाग हो समुद्र ये कथा केवल अच्युतानंद महापुरुष कही ना आउरी मध्य जड़े सन्थ कही कि ना भक्त आर्तदास भीम भईंर शिष्य होने आर्तदास से आर्तदास मालिकार लिखिले कौन कहले परे नक्षत्र लंजा छेड़ब नक्षत्र लंजा छेड़ब लवण जड़ी बुड़ब लवण जड़ी बुड़ब लह लह जुहा करीण कालिका लह लह जुहा करीण कालिका दक्षिण मुंड मोड़ब मोहज अलेखवाई मोहज अलेखवाई हरि भजुता रे हरि भजुता हरि भजुता रे हरि भजुता हरि भजुता निरते रही मोहज अलेखवाई हरि भजुता निरते रही मोहज अलेखवाई अर्थदास मालिकार लिखिले कहे नक्षत्र लांजा छेड़ब लवण जले अच्युतानंद कहते समुद्र पड़ब ये भी कहले लवण जले बुड़ब लह लह जुहा करीण कालिका बाछीण मुंड मोड़ब मो भज अलेख भाई आर्तदास कहते अलेख भाई भजन कर महिमा धर्मर जे हूँ प्रचारक संत भीम बही नहीं महिमा धर्मर से प्रचारक तेणु से ही अलेख महिमा को तुम्हें ध्यान कर डाक रक्षा करें विपद्रु नहीं ये सुधी जाने ज्ञानीगुणी मंडाड़ी नक्षत्री बढ़िले समुद्र शहे पचास रु दुई फुट उपरे उठब बोली मालिकार लेखा अच्छे आंध्र प्रदेश जड़े सद्गुरु ना तांगर हूँ वीर ब्रह्मेन्द्र स्वामी से मध्य भविष्यवाणी करलीयुगर भविष्य को आलोचना करने को जा
कलिजुग भविष्य विषय आलोचना करने को जाए से कौन भविष्यवाणी कले ना कहले जिते समुद्र उठ 150 रु 200 फुट उपर से कौन हम ना आंध्र प्रदेश विजयवाड़ार कृष्णा नदी जो प्रवाहित हो जाए से कृष्णा नदी जल निकट पहाड़ उपर कनक देवी नाकचणा को जाकि छुईब बोली महापुरुष लिखिले बोली ये महापुरुष अच्युतानंद जी की जानी ज्ञानी भणी मंडली आज मालिका वचन में आम आलोचना करुचे अच्युतानंद महापुरुष जाइफुल मालिका नक्षत्र पड़िले समुद्र गर्भरे किमिति समुद्र उठी रत्न सिंहासन को छुईब प्रभु बड़देवल छाड़े से कथा आम आलोचना करुचे नहीं तेणु महापुरुष कहते आ कि ना अच्युतानंद महापुरुष कौन कहले कह बाबूरे नील चक्र डेगी पा पड़ो तेणु ज्ञानी गुणी मंडली यदि समुद्र आसब खंडगिरी पर्यटन जीव नील चक्र डेगी पा पड़ो ये घटना जदि घटव से ही समय महापुरुष कहले त्रिजटार वंश मिणी रेल सब बुद्धि जीव सरी जाई फूल लोहा सब बुद्धि जीव सरी जाई फूल लो सब बुद्धि जीव सरी जाई फूल लो तेणु सब बुद्धि जितेबले सब सरी जीव रेल कौटी अच्छी कहीदे पाटा कौ जगे जीव मध्य कहले नहीं आउ से त्रिजटा वंश रेल भिड़िक चतुर्धा विग्रह को ने कड़े ने कड़े ने कौटी ने त्रिजटा वंश किए किए से त्रिजटा वंश महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प नवखंड निर्घंड लिखिले कौन कहले त्रेतया जुगरे सीता जे बंदी करी लंकेश्वर करी निकटे सेवा करूला त्रिजटा नाम जार जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कलिकलुष नाशन अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प नवखंड निर्घंड लिखिले कहले त्रिजटा किए ना त्रेतया जुगरे सीता जे बंदी करी लंकेश्वर तांकरी निकटे सेवा करूला त्रिजटा नाम जहार त्रेतया जुगरे प्रभु राम पितृसत्य पालन करने को जाई 14 वर्ष वनवास जाते अल्प बहुत आम एक जाचे रामायण पढ़ीचे जानी ना हाँ रामायण महाभारत गीता भागवत आम सब पढ़ीचे ना पढ़ी ना देना तेरे जदि पढ़ी एक जानी पितृसत्य पालन करके राम 14 वर्ष जाते मो प्रभु रामावतार नहीं रघुकुल की रीति सदा चली आई जान जाए पर वचन न जाए जीवन जीव वचन जीव ना से वचन रक्षा पितांकर करिवापाई प्रभु 14 वर्ष वनवास गले सांगे किए जाते कहले ना सहधर्मिणी भगवती सीता जाते प्राण प्रिया पत्नी भगवती मिथिला कन्या मिथिलार राजकन्या सीता जाते नहीं ये सोधीजने आजिकल होते आम आम आड़ आणवा सामाजिक व्यवस्था आड़ आसवा आजिकल सामाजिक व्यवस्था जहा ये सामाजिक व्यवस्था स्वामी जदि पैसा अभाव पड़गला चाकरी करूला मसक 70,000 दरमा आ स्त्री हाथ में गेजी देता स्त्री से ही पैसा दामिकिया 10,000 5,000 2,000 शाढ़ी गहना 1,50,000 कान को हाथ को नाक को कान सब करेक को पिंधुला साई पड़सार बुलूला नुएं बड़ बड़ होटेल स्त्री खाऊला कितु देख ला स्वामी कोरोना महामारी आसला जे स्वामी चाकरी चलीगला नहीं चाकरी स्वामी चलीगला अच्युतानंद महापुरुष लिखी आगे हम मन रखु आगु को हबो कौन ना हुकुम जाहिर दिनो दिन हेब प्रजा हेवे छटपट घरे घरे हाण गोड़ लगी चाकिरिया हेवे नष्ट जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कलिकलुष नाशन अच्युतानंद शिवकल्प नवखंड निर्घंड पदटी लिखिले कहे आग को हुकुम जाहिर दिनु दिन हेब दिन दिन हुकुम जाहिर हेब हुकुम दिये नीति से चल आदेश मोर मानव राजा से हुकुम दौले निर्देश दौले राजा नहांती
राजा नहांती नुहे राजतंत्र जाइए गणतंत्र आसी आ गणतंत्र आसो बोली महापुरुष लिखिदेले के राजा हो के ही रहिबे नाही राजा हो के ही रहिबे नाही विरजा शासन होइब मही विरजा शासन होइब मही 1356 दल भारती 1356 दल भारती ठीके ठीके राम कहिली तोते ठीके ठीके राम कहिली तोते राजा है कलि युग रे केही रहिबे नाही रे बाबा रामचंद्र मन रख ए कथा आगुरु आली राजा थेले कनिका राजा थेले आठगढ़ राजा थेले नुई बांकी राजा थेले नमपड़ा राजा थे ये सब राजा थे ये राजतंत्र रहा राजतंत्र जीव गणतंत्र दिने आसीबो नुहे राजा शासन जीव मंत्री शासन आसीबो जन जन समाज द्वारा लोक मानक द्वारा कौन निर्वाचित हो लोक प्रतिनिधि मंत्री भाव देश को शासन करी राज्य को शासन करी ये कथा महापुरुष 600 वर्ष तले कही बालिका हे ज्ञानी गुणी मंडली कागज कलम उद्भावन हो ना तालपत्र लेखन लिखी रही कथा आज देखु के सत बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की तेनाली ज्ञानी गुणी मंडली सुधी महापुरुष लिखिले से राजा मैंने हुकुम करुले राजा मैंने निर्देश दौले मैं राजा मैंने नहांती राजतंत्र जातु गणतंत्र आसी मंत्री शासन आसी सर्वोच्च मंत्री प्रधानमंत्री तेणु जितेबले महापुरुष कहले जे आग को हुकुम जाहिर दिनु दिन हेब प्रजा हे छोट बट हुकुम जाहिर दिनु दिन हेब जे मैंने सरकार चाकरी सब करके नुआ नुआ हुकुम सरकार आणवे यही नीति नियम तुम चाकरी जब कर दिन 10 बेले आसब टीप मार भर को जीव मोबाइल फोबाइल धरव ना मोबाइल बंद अफिस् आवर समय संध्या 5:30-6 बेले टीप मारिकी घर को जीवरे धान आउ ठका ठकी किछि नै तेणु जेतिकी काम को सेतिकी पैसा आगुरु 3-4 घंटा काम कले पूरा दरमा मिलता ना काम जेतिकी सेतिकी पैसा सरकार कर दीजनि आगु को आउरी हुकुम जाहिर हबो तेणु हुकुम जाहिर दिनु दिन हबो प्रजा हेबे छोट पट प्रजा माने एकना छोट पट हो ना आ जदि पेट्रोल रेट 200 टका हबो आपण गाड़ी आनी रास्तार धोई देकि लक कर घर पड़ जाऊ ना किए शुणिबो ना हर जा 200 टका आसिक पाखु पहुँचला तेल रेट बढ़ीगला बजार रेट हो बढ़ू नहीं पर रेट पनीपरिया रेट बढ़ू हो बढ़ू 60 70 70 आलु मझे रेट बढ़ी जाता बैगण केट के पर बजार रेट हो बढ़ून कि महरक दुनिया बर्तमान चली नुई तेणु ये समय आम जब कह आम आंदोलन करूँ कि खाबुन ओ घर रोषवास बंद उपास आम रु किए शुणब महापुरुष लेखी बालिकार हे ज्ञानी बड़ी मन हुकुम जाइर दिनु दिन हेब प्रजा हे छोटपट प्रजा हो चलु थे आरे घरे हाण गोल लगे चाकिरिया नष्ट चाकिरिया नष्ट बोली महापुरुष अच्युतानंद मालिकार ये कथा लिखिदेले हे सुधीजान तेणु कहार कथा महापुरुष 600 वर्ष तले लिखिंट मालिका वचन न होबार मालिकार कथा केबे हेले मिछ हेब ना तेणु से कथा महापुरुष कहले कहले बाबूरे जेतेबेले पितृ आजिकल समाज होते आजिकल दुनिया होते जदि स्वामी चाकरी चलीगला कोरोना महामारी होता कोरोना महामारी स्वामी चाकरी चलीगला स्वामी आसी घरे बसला 6 मास रोजगार ना आगु 70-80 हजार दरमा पाई स्त्री हाथ में गेजी दूसरा इना फटा और धूली पैसा टे स्त्री हाथ में दे पारुनी स्त्री आर रज समाज देखा आज सामाजिक व्यवस्था जो देखा ताहले आजिकालिका स्त्री आउ घर रही पैसा पत्र ना किमी चलि मुझे चलि चलिया छुआ को मुझे चल मो बापा जाड़े गवर्नमेंट सर्विस करते आम को अभाव रखि ना तुम्हें चाकरी चलीगल आम देखला बेलू भोक अवसर रही ना रही पारे मुझे चलि मो बापा घर बाप घर को जाऊँ 6 मास तुम पिस्थित सुधरले मुझे आसबि बुझल आम आजिकालिका स्त्री होते कही था कि ना पति बिना अन्य गति नहीं अब तार पति ही सर्वस्व तार जीवन सार पति ही सर्वस्व तार जीवन सार पति ही
सर्वस्व तार जीवन र पति बिना अन्य गति नाही अबड़ार पति ही सर्वस्व तार जीवन सार शास्त्र कहते नास्ति भार्जिया समबंधु नहीं भार्जिया भली स्त्री भली बंधु स्वामी आउ के संसार हेबे ना बुझे आउ के से स्थान नहीं पारे ना तेणु नास्ति भार्जिया समबंधु पाखे शुए कान कुए ता कथा कि अन्यता हुए से शास्त्र कहती पतनात रखे दीदी दी पत्नी स्वामी की पतन रू जी रक्षा कै कहीं पत्नी कहीं पत्नी कहीं अर्धांगिनी ना गोटे स्वामी से हूँ शरीर अधे स्वामी शरीर स्त्री हूँ अधे बोली अर्धांगिनी कहते कौ अधे कहले कौ पटटा कौ अधक स्वामी हूँ स्त्री ना बामांगी स्त्री की कहती बाम अंगी बामांगी स्वामी बाम पटटा हूँ स्त्री आम ज्योतिष पाखक जी कि जी हाथ देखुद पाखक जी गोटे पुरुष जन जीव बा हाथ देखे मो हाथ टे हाथ कहते हुए बापट तो स्त्री डाहाण पट देखा गोटे स्त्री लोकटे जीव सी डाहाण हाथ ना ना तोर बाँ हाथ देखा तो ये हाथ स्वामी तो ये हाथ बाँ हाथ तोर नहीं तेणु स्वामी अर्थ अंग बाम अंगटी हूँ स्त्री तेणु पतनात रक्षा दे पत्नी स्वामी की जी पतन रक्षा कै विपद रक्षा कै संकट रक्षा कै से होंगे पत्नी पदवाच्य माँ भगवती सीता कह ना मो स्वामी छड़ा मोर अन्य गति ना स्वामी 14 वर्ष वनवास जीवे मुझे सांगे 14 वर्ष वनवास जी सांगे अनुज लक्ष्मण नहीं कह ना ना भाई भातृबड़ाते धान्य बल भाई बड़ ठार बड़ बड़ ना भाई की छाड़ी मुझे रहीपरि ना सी सांगे गले तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सांगे जो जाती पंचवटी अवस्थान करई पंचवटी से लंकपति रावण माँ भगवती सीता हरण कर नहीं गला स्वर्णमयी लंका को हरण कर रखिला कौटी आसंद अध्याय आलोचना करवा आज तो समय ही आसंदु वाणी की विराम दवा प्रभुंकर नाम नहीं जय अच्युत जय अच्युत जय अच्युत बोलरे जय अनंत बोलरे बोलरे मन बोलरे जगन्नाथ बोलरे बोलरे मन बोलरे बलराम बोलरे बोलरे मन बोलरे यशोवंत बोलरे जय अच्युत बोलरे जय अनंत सुधी यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के ठार विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।